हिमाचल प्रदेश में बारिशों का दौर जारी है। अगले कुछ दिनों तक मौसम फिर सताने वाला है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में खराब मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश, गर्जन और बिजली देखने को मिल सकती है। प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही 21 अगस्त के बाद खराब मौसम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में बिलासपुर के नैना देवी में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, तो वहीं धर्मशाला में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 अगस्त तक मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के बिलासपुर जिला के नैना देवी में सबसे अधिक 142.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बैजनाथ में 120 मिलीमीटर, गुलेर में 78.4 मिलीमीटर, घाघस में 60.4 मिलीमीटर, बिलासपुर सदर में 60.2 मिलीमीटर, जोगिंदरनगर में 57 मिलीमीटर, भराड़ी में 50.4 मिलीमीटर, पालमपुर में 47 मिलीमीटर, कांगड़ा में 44 मिलीमीटर और धर्मशाला में 42.6 मिलीमीटर सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अलावा बीते 24 घंटों में प्रदेश के जिला कुल्लू के भुंतर में सबसे अधिक 34.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं लाहौल स्पीति के कुमसेरी में सबसे कम 9.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा शिमला में 24 डिग्री, सुंदरनगर में 32.9 डिग्री, कल्पा में 27 डिग्री, धर्मशाला में 29.4 डिग्री, ऊना में 34 डिग्री, नाहन में 28.7 डिग्री, सोलन में 30 डिग्री, मनाली में 27.7 डिग्री, कांगड़ा में 32 डिग्री, मंडी में 31.5 डिग्री, बिलासपुर में 34.3 डिग्री, हमीरपुर में 31.9 डिग्री, चंबा और रिकांगपियो में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है।